सेनाओं में सैनिक स्तर पर भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद देश भर में इसका विरोध जारी है। कहीं पर सड़कें जाम की जा रही हैं तो कहीं ट्रेन फूकी जा रही है। प्रदर्शनों के बाद दबाव में आई केंद्र सरकार ने अब युवाओं का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें भर्ती की एज लिमिट में छूट देने का फैसला किया है। लेकिन ये छूट केवल एक बार के लिए ही होगी और उसके बाद अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट के अनुसार ही भर्तियां होंगी। युवाओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने सेना भर्ती में ऊपरी उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। इस साल के लिए 21 की बजाय 23 साल तक युवा अग्निपथ योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं कई राज्यों में जारी बवाल के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस साल भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। इससे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से तीनों सेनाओं में भर्तियां रुकी हुई थी। इसकी वजह से काफी युवा तैयारी करते करते ओवरएज हो गए। अब ऐसे युवाओं को राहत देने के लिए सरकार उन्हें एक बार उम्र में छूट देने का फैसला किया है। फिलहाल सरकार ने नई अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की एज लिमिट तय की है। लेकिन जल्द शुरू होने वाली तीनों सेनाओं की पहली भर्ती में 23 साल तक के युवा भी अप्लाई कर सकेंगे। बताते चलें कि अग्निपथ स्कीम के तहत एक साल में 96,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 40,000 भर्ती आर्मी के लिए होंगी और बाकी भर्तियां एयरफोर्स और नेवी के लिए की जाएंगी। तीनों सेनाओं की भर्ती खुलने का देश भर के युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी तैयारी करते करते कई युवाओं की अधिकतम उम्र भी निकल गई है, जिसके चलते उनमें निराशा पसर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।